पीछे की तरफ हटे। मुख्तार अंसारी अंदर जा चुके हैं, कब्रिस्तान में अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग इस्तेमाल करना पड़ा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को देखिए किस तरीके से बिना अपने डंडे का इस्तेमाल किए हुए पब्लिक को यहाँ से हटा रहे हैं। सख्ती से इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान में एंटर कर गए हैं, सुपुर्ते खाक हो रहे हैं इस वक्त मोहम्मदाबाद में। और देखिए हम आपको वो तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा एक बार वाइड तस्वीर कब्रिस्तान के बाहर की दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ पर देखिए लगातार हम वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाते रहेंगे। भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सपना यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग घर बनाइए, सुपुर्दे खाक। पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल भी किया, पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हाथों का ही इस्तेमाल किया। सुपुर्दे खाक होने के लिए मुख्तार अंसारी, जिनका कई दशकों तक पूर्वांचल में डंका बजता रहा, उनके गुर्गे उनके काफिले में हथियार लहराते रहे। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोप, अधेश राय हत्याकांड का आरोप और तमाम हत्याकांड का आरोप जो है मुख्तार अंसारी पर लगता रहा। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं, जो आखिरी नवाज अदा की जाएगी मुख्तार अंसारी के लिए, जाहिर तौर पे उसकी तैयारी कब्रिस्तान के अंदर की हम देख पा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है मुख्तार अंसारी को लेकर। यहाँ पर बाहर कब्रिस्तान के एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार कवरेज मुख्तार अंसारी की यहाँ पर कर रहे थे। बांदा मेडिकल कॉलेज, बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज और बांदा मेडिकल कॉलेज से 420 किलोमीटर का वो रूट जिससे मोहम्मदाबाद पहुंचा देर रात 2 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का शव, और उसके बाद वो तमाम तैयारियां पुलिस का हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान में अंदर पहुंच चुके हैं, मौलवी साहब अंदर हैं जो तमाम प्रोसेस को अंजाम देंगे। आखिरी नवाज होगी और आखिरकार मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अफजल अंसारी मौजूद हैं, मुख्तार अंसारी के तमाम भाई यहां पर मौजूद हैं, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे, वो इस सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। देर रात सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन सख्ती का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मुख्तार अंसारी के ये समर्थकों के लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। थोड़े समय का प्रोसेस है, आखिरी नवाज अदा हो जाए, सुपुर्दे खाक हो जाए, उसके बाद आप लोग जाके अंदर कब्रिस्तान में दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अभी का जो प्रोसेस है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई हाथों में ना ले, पुलिस लगातार अपील करती हुई इन तमाम लोगों से यहाँ पर लगातार अपील कर रही है। सपना इन तमाम लोगों से हम देख पा रहे हैं यहाँ तस्वीरों में भीड़ बेकाबू होती हुई, भीड़ को अपील करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग कि आप लोग कृपया करके देखिए। फिर हल्का बल का इस्तेमाल सपना कर दिया गया है यहाँ पुलिस की तरफ। पुलिस जो है लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। आप अंदर की तस्वीरें दिखाइए, प्रोसेस शुरू हो गया, पेड़ों के दिखा पा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं और जो मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। बाहरी पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर तैनात है। स्थानीय लोग जो हैं जिनकी नज़र में रॉबिन हुड थे मुख्तार अंसारी, वो यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो यहां पर बना रहे हैं, वो आखिरी पल कैद करना चाहते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता भी पहुंचे थे और यहां पर मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में नारेबाजी हुई। उनके परिवार के लोग भी लगातार यहां पर आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। और देखिए पूरी सड़क खचाखच भरी हुई है। देखिए मेरे कैमरा सर सुनील यादव आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस तरह से जब सुबह हम यहां पर 6 बजे रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो यहां पर केवल पुलिस मौजूद नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनके स्थानीय लोग हैं, समर्थक हैं, वो यहां पर मौजूद है। देखिए पुलिस की मौजूदगी भी यहां पर दिखाई जा रही है। मैं देखिए आपको यहां से तस्वीरें दिखाता हूं थोड़ी सी, अगर हम देख पाए तो देखिए ये यहाँ पर जहाँ पर कि पुलिस पीएसी के जवान खड़े हुए हैं, यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए अंदर की थोड़ी तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जहाँ पर कि जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई है वो की जा रही। देखिए सुनील यादव ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस कब्रिस्तान के बाहर की, जहाँ पर कि
कुछ लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं, सीआईएसएफ की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है, उनके चाहे भाई हों या उनके भतीजे हों, वो तमाम लोग यहाँ पर अंदर है। परिवार के कुनबे के दूसरे लोग मौजूद हैं और ये उनका तरीके से पुश्तैनी कब्रिस्तान है। यहाँ पर उनके पिता की, उनकी माता की, इसके अलावा उनके दादा परदादा की कब्र यहाँ पर हैं। करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है यहाँ पर खोदी गई थी, जो केयर टेकर बबलू है उनसे भी हमने कल बात की थी। और एक बार देखिए, फिर हम आपको यहाँ पर देखिए, एक उलेमा काउंसिल के एक मौलाना साहब भी यहाँ पर हैं। मैं आपके बात कराता हूँ उनसे सीधे, मेरे कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा कैमरा इधर लेके आए। यहाँ पर सादिक साहब, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोग यहाँ पर आए मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए। मैं इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें दिखाने के लिए जा रहा हूँ अंकिता। तो कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें देखिए, बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी अरेंजमेंट है, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मौलवी साहब पहुंच गए हैं, मौलवी साहब वो तमाम प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं और हम एक एक तस्वीर आपको कब्रिस्तान के अंदर की दिखा रहे हैं। इस वक्त जो बॉडी है, जो शव है मुख्तार अंसारी का, वो उनके कब्र के पास रख दिया गया है। और जाहिर तौर पर अगले कुछ मिनट में जो आखिरी नवाज है वो आखिरी नवाज पढ़ी जाएगी, उसकी तैयारी अंदर की जा रही है। मैं इस वक्त यहाँ से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ, जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ, अफजल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो परिजन है मुख्तार अंसारी को, उनको यहाँ से देख पा रहा हूँ, जो वो तमाम प्रोसेस कर रहे हैं। आखिरी नवाज यहाँ पर पढ़ी जाएगी और आखिरी नवाज के बाद सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे मुख्तार अंसारी। और जैसे ही सुपुर्द खाक होंगे अंकिता, उसके बाद से ही ये जो तमाम भीड़ है उसके लिए गेट यहाँ से खोल दी जाएगी, वो भीड़ एंटर करेंगे और जिनको भी नवाज अदा करनी है, जो आखिरी सलाम करना है मुख्तार अंसारी को, वो मुख्तार अंसारी को अपना आखिरी सलाम कर सकते हैं। लेकिन ये भीड़ यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो छवि मुख्तार अंसारी की थी मोहम्मदाबाद में, वो रॉबिनहुड की छवि, जो यहाँ के लोगों को सहायता करते थे बेटियों की शादी में, जिस तरीके से अब वो मदद करते थे, वो केवल अहमदाबाद में। लेकिन अगर पूर्वांचल वासियों की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में, 1980 के दशक में पहली बार मुख्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। मुखान सिंह गिरोह के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में जो संगठित अपराध होता था उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आते रहता था। मुख्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन सब के बावजूद मुख्तार अंसारी का जब काफिला 1990-2000 के दशक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते थे वो असला लहराते हुए जाते थे। तो ये सब जो तस्वीरें लोगों, जिन लोगों ने देखा है, वो लोग आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके नजर में रॉबिनहुड की तस्वीरें थी मुख्तार अंसारी की, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। और इस भीड़ जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया है, उसके बाद ये भीड़ छटी है यहाँ पर। जरा ये व्हाइट तस्वीरें, जो हम अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे अपने दर्शकों को, बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। बाहर जो है थोड़ा सा भीड़ कंट्रोल में गई है, पुलिस ने यहाँ पर सख्ती से निपटा, इन लोगों से सख्ती से निपटा। अंदर से मुख्तार अंसारी के परिजन आए, उमर अंसारी को हमने देखा, अफजल अंसारी को हमने देखा, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबूबुल्ला को हमने देखा कि किस तरीके से वो बाहर आए। और बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांति की अपील की, पुलिस को भी हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है भीड़ अब जो है कंट्रोल में आ चुका है। अब यहाँ से पुलिस ने यहाँ से चेतावनी दे दी है भीड़ को, बड़ी खबर, चेतावनी दे दी है कि इलेक्शन का समय है, कोई भी नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगा। वीडियोग्राफी मुख्तार अंसारी के भाई, एक और भाई जो है यहां पर पहुंच गए हैं। देखिए मुख्तार अंसारी के व्हील चेयर पर, दीजिए व्हील चेयर की तस्वीरें दिखाइए। मुख्तार अंसारी के एक और भाई यहां पर पहुंच गए हैं, व्हील चेयर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्तार अंसारी के परिजन है शायद, और इनको आगे की तरफ ले जाए। बताइए, इलेक्शन का समय है, कोई भी नारेबाजी करेगा, वीडियोग्राफी हो रही है, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, चेतावनी गाजीपुर पुलिस की तरफ से यहां पर लोगों को, जो लोग भीड़। गेट खुलता हुआ, मुख्तार अंसारी के ये भाई हैं, ये चचेरे भाई हैं जिनके लिए गेट खुल गया है और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और वो इस वक्त कब्रिस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आखिरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखिए, गेट खुल गया, गेट बंद हो गया, व्हील चेयर पर हम देख पा रहे हैं, व्हील चेयर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कब्र
खोदा गया है मुख्तार अंसारी का, ठीक वहीं की तरफ जाते हुए। और एक बार फिर से अनाउंसमेंट किया गया पुलिस की तरफ से बाहर कि जैसे ही आखिरी नमाज हो जाएगी, सुपुर्दे खाक हो जाएंगे मुख्तार अंसारी, हर किसी को इजाजत दी जाएगी कि अंदर वो कब्रिस्तान में जाए, आखिरी सलाम वो कर सकते हैं, आखिरी नमाज वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मुख्तार अंसारी के वो अंदर पहुंच चुके हैं और जो प्रोसेस है आखिरी नमाज का वो कुछ ही पल में यहां पर शुरुआत कर दिया जाएगा। एक बार फिर से दिखाइए जरा व्हाइट तस्वीरें, जो पैतृक आवास है मुख्तार अंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रिस्तान के गेट तक और दूसरी तरफ जो गाजीपुर और मऊ की तरफ से जो सड़क आती है वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। टॉप एंगल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की सख्ती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनाउंसमेंट किया कि FIR दर्ज हो सकती है, चुनाव का वक्त है। और ये तमाम तस्वीरें वाइड तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से नारेबाजी हुई है, पुलिस चेतावनी दे रही है FIR दर्ज होगा, पुलिस चेतावनी दे रही है FIR दर्ज होगा। भीड़ ने पीछे से नारेबाजी की, पुलिस ने चेतावनी, पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई, जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई। देखिए ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे, जिधर से नारेबाजी हुई है पुलिस ने चेतावनी दी FIR दर्ज होगा, वीडियोग्राफी हो रही है, पुलिस उधर की तरफ आगे बढ़ती हुई, भीड़ पीछे की तरफ हटती हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, केवल आप न्यूज 18 इंडिया पे देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, नारेबाजी जिधर से हुई है उधर बढ़ते हुए, हाथों में लाठी लेकर, शील्ड लेकर, हथियार लेकर, कैप लगाकर, अपना हेलमेट, और सीधे वो आगे जाते हुए कि जहां से नारेबाजी हो रही है, हम सीधे कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर की मौजूद मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। देखिए सुनील यादव बिल्कुल अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, बाहर जिस तरह से पूरी हुजूम यहां पर है, पुलिस फोर्स है, वैसे ही देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें हैं, यहां पर की कुछ चुनिंदा लोग जो हैं परिवार के और कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और बिल्कुल देखिए यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर जहां पर आप भीड़ देख रहे हैं वहां पर मुख्तार अंसारी की जो कब्र है उसे कल खोदा गया था, करीबन 7.5 फीट की जो कब्र थी, और बिल्कुल उनकी कब्र के सामने ही उनकी माता की, उनके पिता की और उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके खानदान के उनकी कब्र वहां पर है। और यहां पर देखिए थोड़ी देर के बाद ही जो है जो अंतिम रीति रिवाज हैं वो यहां पर शुरू होंगे, और उसके बाद सुपुर्द खाक के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके भी यहां पर आने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि ये प्रशासन के ऊपर है। मैं कुछ लोगों से यहां पे बात करता हूं, ये अंदर किस तरह की अभी क्या चल रही है भाई? बहुत अच्छा कार्रवाई है एकदम। क्या क्या हो रहा है अभी? अभी बस उनको दफनाने की तैयारी हो रही है, मतलब जो मुसलमानों के धर्म में होता है वो चीज हो रहा है। अभी दफनाया नहीं है? अभी नहीं, नहीं। कितना देर और लगेगा? अभी कम से कम 10-15 मिनट लगेगा अभी टाइम। अच्छा। जी, और उसके बाद फातिया पढ़ा जाएगा? जी जी, अभी अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं वो लोग आएंगे, मिट्टी देंगे, उसके बाद लास्ट में फातिया पढ़ा जाएगा। अच्छा जी, तो देखिए ये शख्स अंदर है जो बता रहे हैं कि किस तरह से सुपुर्द खाक की कार्रवाई में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी उनका जो जनाजा है वो बिल्कुल उनकी कब्र के पास ही रखा गया है। पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये अंसारी परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है जिसकी तस्वीर हम आपको सीधे लगातार दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्लैग मार्च की भीड़ के अंदर फ्लैग मार्च, पैरामिलिट्री फोर्सेस का फ्लैग मार्च, जरा तस्वीरें देखिए सख्ती से आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आचार संहिता लागू है। जो हु कर रहे हैं उनको समझाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, FIR दर्ज होगा, पुलिस सख्ती से निपट रही है। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, पुलिस कह रही है पीछे हटिए, आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, पीछे हटिए, नारेबाजी नहीं, पीछे हटिए, नहीं तो FIR दर्ज होगा। परिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से हुड़दंगबाजी यहाँ ना करें, इस तरीके से नारेबाजी ना करें, आचार संहिता लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और चारों तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर जगह से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो किसी भी वक्त यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो FIR दर्ज कर ली जाएगी। तो भीड़ को समझाते हुए पुलिस सख्ती से, और दूसरी तरफ देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की तस्वीर, भीड़ के बीच में अंदर घुसते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की तस्वीर, लोगों को वहां पर समझाते हुए पैरामिलिट्री फोर्स कि आप लोग शांत रहिए, अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए, कोई रस्सी के इस तरफ ना आए, रस्सी के इस तरफ आते हैं जोर जबरदस्ती करते हैं आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लोकल पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई। दूसरी तरफ यहां पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह पर आउटर रेंज में से वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो अपना जगह लेते हुए, लोकल पुलिस उन्हें जगह बनाने के लिए कह रही है, और जो रस्सी है उस रस्सी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, SSB के जवान जो है वो तैनात होते हुए। देखिए हर जगह पर देखिए भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ ने नारेबाजी कर दी, भीड़ को शांत करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हर जगह इस तरीके से कुछ हुड़दंगी होते हैं, और इन हुड़दंगी के खिलाफ ही FIR दर्ज करती है पुलिस, लोकल पुलिस।
पुलिस और लोकल पुलिस के आला अधिकारी जिस तरीके से लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं, और देखिए अंदर जो है, अंदर भी कब्रिस्तान के अंदर चहल पहल शुरू हो गई। शायद जो आखिरी नमाज है वो अब पढ़ी जा रही है, वो अब पढ़ने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मुख्तार अंसारी को का जो आखिरी नमाज है वो पढ़ने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। जो मैं अंदर की तस्वीरें इस वक्त देख पा रहा हूँ, अगर युगल आप इधर की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है, इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक। जो तस्वीरें हैं देखिए, देखिए लोग जो हैं इस दीवार पे चढ़ने, कब्रिस्तान के दीवार पे, कब्रिस्तान के पेड़ों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें। जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है, जो हम यहाँ से तस्वीर देख पा रहे हैं। और जरा क्लोज तस्वीरें अंदर की वहाँ की दिखाइएगा, अगर आप क्लोज तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पाए, जो वहाँ से देखिए यहाँ पर पुलिस को हटाती हुई, जरा सामने की तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई यहाँ से लोगों को हटाती हुई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हटाती हुई यहाँ पर से पुलिस यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक एक तस्वीर हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर का जो माहौल था, इससे थोड़ी देर पहले जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, अब खुद मुख्तार अंसारी का जनाजा जो है, शव जो है, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। काफी मशक्कत करनी पड़ी मुख्तार अंसारी के परिजनों को, काफी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ के लोकल पुलिस को। और देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स आगे की तरफ भीड़ में बढ़ती हुई, क्योंकि भीड़ से लगातार बीच बीच में नारेबाजी हो जा रही है। उस नारेबाजी को कंट्रोल करते हुए लगातार कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और उस भीड़ में आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है अंदर दाखिल होती हुई, जिससे कि भीड़ कंट्रोल में रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। अंदर प्रोसेस शुरू हो चुका है। कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर का प्रोसेस देखिए शुरू हो चुका है। जरा क्लोज शॉट, पेड़ पौधे हैं, शायद उतने अच्छी तरीके से हम विजुअल नहीं दिखा पाए जो, लेकिन मैं इस वक्त अपने आंखों से देख पा रहा हूं जो अंदर का प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। ओवर टू यू आनंद। देखिए मैं आपको सीधे यहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत कराता हूं। सुपुर्दे खाक हो गया, जो जानकारी मिल रही है, शख्स समाधान है, सुपुर्दे खाक हो गया मुख्तारी अंसारी का। जी जी जी। और कितनी देर पहले हुआ है? अभी तो देखिए ये बता रहे हैं कि सुपुर्दे खाक हो चुका है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अंदर के लोगों ने जानकारी दी कि सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी का हो चुका है। देखिए यहाँ पर परिवार के लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, और अब देखिए धीरे धीरे यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे, जो मट्टी है वो उनके कब्र पर डाली जा रही है। देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव अंदर की दिखा रहे हैं कि अब यहाँ से लोग धीरे धीरे वापस बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें जो है मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहां पर लाया जा सकता है, और उसी के आसपास का समय था जब मुख्तार स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार यहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है वो खराब ना हो, और देखिए फातिया भी जो है उसकी कार्रवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है। फातिया जो एक रस्म होती है जो है कब्रिस्तान में दफनाने के बाद कब्र में, वो तमाम चीज़ें जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, और अब देखना होगा कि जो परिवार है वो कितनी देर के भीतर जो है यहाँ से कब्रिस्तान के बाहर निकलेगा। और ये सड़क पे लगातार जो पुलिस और प्रशासन है वो लगातार मौजूद है, अंदर भी पुलिस के अधिकारी मौजूद है। कब्रिस्तान की अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुनील यादव, आप कैमरे का फोकस है बिल्कुल सामने, आप जहां पर भीड़ देख रहे हैं वहीं पर मुख्तार अंसारी की कब्र कल खोदी गई थी करीबन 7.5 फीट की, उसके उनके ही पास में उनके रिश्तेदारों के, उनके माता पिता की कब्र है, और उनका पुश्तैनी ये कब्रिस्तान है कालीबाग, जिसका नाम है कालीबाग कब्रिस्तान। वहां पर भी जो है अब सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को कर दिया, परिवार के रिश्तेदार देखिए जो मौजूद हैं, और यहाँ पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि किस तरह से यहाँ पे परिवार के सदस्य जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक सुपुर्द खाक नहीं हुआ है मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी की जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फातिया पढ़ने का जो रीति जो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा, उसके लिए वहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। फिलहाल मुख्तार अंसारी का शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया, क्योंकि जहाँ पर मुख्तार अंसारी का कब्र की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शव है, वहां पर उनका कब्र है। और यहां पर देखिए ये जो कब्रिस्तान आप देख पा रहे हैं, ये कब्रिस्तान खानदानी कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी के परिवार का, अंसारी परिवार का। और जो फातिया पढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी, और इस प्रोसेस के बाद ही मुख्तार अंसारी सुपुर्द-ए-खाक होंगे। सुपुर्द-ए-खाक जैसे ही होंगे, जितने भी लोग हैं यहां पर जो अंदर हैं मुख्तार अंसारी के रिलेटिव्स, मुख्तार अंसारी के परिजन, मुख्तार अंसारी के बेटे, वो लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलेंगे। उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो अंदर जा सकेंगे। पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस जो है बल का इस्तेमाल कर रही है। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ती हुई। जरा देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल न्यूज 18 इंडिया पर, पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ती हुई यहाँ पर देखिए पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ रही है, कह रही है कि आपको जाना पड़ेगा पीछे, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। कोई कब्रिस्तान के दीवार पे नहीं चढ़ सकता है और कोई कब्रिस्तान के दीवार के ग्रिल के आसपास भी ना रहे, पीछे हटिए आप लोग। और पुलिस यहाँ पर सख्ती से इन लोगों से डील करती हुई, क्योंकि लगातार रुक रुक कर इसी भीड़ से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लागू है, यहाँ पर आचार संहिता लागू है। अगर भीड़ की वीडियोग्राफी हो रही है, जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। भीड़ पीछे जाती हुई, क्योंकि पुलिस जब जब बल प्रयोग करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब जब बल प्रयोग करते हैं तब तक ये भीड़ पीछे जाती है। उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान करते हैं, उसके बाद जो है ये भीड़ एक बार फिर से आगे आ जाती है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। भीड़ पीछे की दूसरे परिजन हैं वो फिलहाल दूसरे तरफ यहाँ पर कब्रिस्तान में आए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं वो दूसरे तरफ आए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो शुरू हो रही है, फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो किसी भी पल यहाँ पर शुरू हो रही है। मैं जो तस्वीरें यहाँ से देख पा रहा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शव के पास मौजूद हैं। जरा अगर क्लोज शॉट आप